जल्द ही पाकिस्तान जाएंगी सानिया मिर्जा। जी हां, सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ये बताया था कि वो पाकिस्तान जरूर आएंगी, क्योंकि शोएब मलिक का परिवार वहां पर है और शोएब मलिक के परिवार से उनको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। शोएब मलिक के परिवार ने हमेशा ही सानिया का सपोर्ट किया है, इतना ही नहीं शोएब से वो काफी नाराज भी हैं। सानिया मिर्जा के घर वाले यानी कि उनके ससुराल वाले ये नहीं चाहते थे कि सानिया इस घर से जाएं, सानिया का डाइवोर्स हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सानिया मिर्जा के ससुराल वाले अपने बेटे शोएब मलिक से काफी ज्यादा नाराज हैं और सना जावेद को वो बिल्कुल भी अपने बहू नहीं मानते। इसी बीच में सानिया ने ये भी बताया था कि वो इजहान को मिलवाने के लिए उनकी दादी के पास, उनके रिश्तेदारों के पास जरूर जाएंगी और उनके साथ उनका रिश्ता बरकरार रहेगा। इजहान की हालत जैसे ही ठीक होती है वो उन्हें पाकिस्तान में ज़रूर ले जाएंगी और अपनी दादी से ज़रूर मिलवाएंगी। इसी बीच में दावा ये किया जा रहा है कि अगले महीने सानिया मिर्जा पाकिस्तान में जा सकती हैं, पाकिस्तान में जाकर के वहाँ घर वालों से मुलाकात कर सकती हैं, इजहान की मुलाकात उनके रिश्तेदारों से करवा सकती हैं। अब उम्मीद ये की जा रही है कि इजहान जल्द से जल्द ठीक होंगे और उनकी मुलाकात करवाई जाएगी उनके रिश्तेदारों से। खास तौर पर देखना ये होगा कि शोएब मलिक क्या अपने बेटे से मुलाकात करते हैं। शोएब मलिक ने अक्सर अपने बेटे के प्रति अपना प्यार सोशल मीडिया पर बयां किया है। अपने बेटे के लिए वो हर जी जान से कोशिश करते हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या सना जावेद के लिए अपने बेटे को भी वो इग्नोर करेंगे या फिर मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। वेल, बात करें सना जावेद की तो सना जावेद यहाँ इन दिनों काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी का सामना कर रही हैं। इसी बीच में शोएब मलिक के बेटे इजहान की हालत काफ़ी ख़राब है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि शोएब मलिक ने अभी तक इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया है।